Hey guys, this is Azra and welcome back to my YouTube channel. Guys, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. गाइज, आज के ये फ्रेजेस हैं लगन और लगाना से रिलेटेड. इसके बिना आप इंग्लिश बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकते. चलिए देखते हैं वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं और इंग्लिश में हमें इसे किस तरह से बोलना है. नियम का लगना, टू अप्लाई अ रूल. भूख प्यास लगना, टू फील थर्स्टी और टू फील हंग्री. काम में लगना, to engage oneself. मतलब लगाना, to interpret. आदत लगना, to be addicted to something. पेड़ में फल लगना, to bear fruit. ताला लगना, to lock up. रुपया लगना, to cost money. नींद लगना, to feel sleepy. करने लगना, begin to do. पौधे का लगना, to take root. किनारे लगना, to touch shore. नजर लगना, to cast an evil eye. आंख लगना, to doze off. दांव पर लगाना, to stake. खुद को बहुत लगाना यानी इतराना, to give oneself airs. पान लगाना, to make beetle. हिसाब लगाना, to calculate. पेड़ लगाना, to plant trees. अनुमान लगाना, to guess at something. धक्का लगना, to get a shock. किसी से मुंह लगाना, to be familiar. मोटर गाड़ी पार्क लगाना, to park one's car. आग लगाना, to set on fire. आग लगना, to catch fire. Tax लगाना, to levy a tax. मजदूर लगाना, to employ laborers. लगाम लगाना, to bridle. मेला लगना, fair is held. मन नहीं लगना, not take interest. मरहम लगाना, to apply ointment. पानी लगना, मतलब पानी खट्टा हो जाना, water accumulates. पंख लगना, to acquire wings. निशाने पर लगना, to hit the mark. हाथ नहीं लगना यानी कोई चीज हाथ से निकल जाना, to slip through one's fingers. भूत लगना, to be possessed by evil spirits. वक्त लगना, take time. गोली लगना, to receive bullet injuries. पेंसिल से दाग लगाना, टू मार्क समथिंग विद अ पेंसिल. धारा लगाना, टू इम्पोज सेक्शन. घर में बिजली और पानी लगाना, टू फिट अ हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टैप्स. सिंदूर लगाना, टू अप्लाई वर्मिलियन. प्रश्नों की झड़ी लगाना, टू पुट अ वॉल्यू ऑफ क्वेश्चन. बिस्तर लगाना, टू मेक बेड. जान की बाजी लगाना, टू स्टेक वन लाइफ. जंग लगना, टू रस्ट.
दाग लगना, टू बी स्टेन्ड। बिजनेस पे पैसा लगाना, टू इन्वेस्ट मनी। तो गाइज ये थे कुछ लगना और लगाना से जुड़े कुछ इंग्लिश फ्रेजेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे यूज़ करके अपनी इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश में और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।